छेड़खानी पीड़िता ने पुलिस से की शिकायत। गांव के लोगों ने रास्ते में रोक कर की छेड़खानी। पीड़िता ने पुलिस से की शिकायत। गोहन थाना क्षेत्र की निवासी एक महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ छेड़खानी की नीयत से उसे पकड़ा और उसके कपड़े फाड़ दिए, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही। बता दें, पूरा मामला गोहन थाना क्षेत्र का। यहाँ की निवासी एक महिला ने अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गांव के रहने वाले मोहित प्रभा, सुशील और टीकू ने जबरन रास्ता रोककर उसे पकड़ लिया और उक्त लोगों ने उसके साथ छेड़खानी करते उसके कपड़े फाड़ दिए। आसपास के लोगों ने यह देख उन्हें ललकारा तो वे धमकी देते हुए भाग गए, लेकिन स्थानीय पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी ने बताया कि पूरे मामले की जाँच कर कार्यवाही की जाएगी। आज कप्तान साहब का नाम है, क्या है पूरा मामला? छेड़खानी का मामला है। श्रावण के लड़के थे, उन्होंने बताया जी की छेड़खानी की, उनके नाम कंप्लेंट भी की मैंने, कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने वालों ने सिपाहियों ने फैसला दे के छोड़ दिया उनको, और मेरे से बोले थे कहीं भी चली जा, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे घर पर लड़के भेजते हैं, धमकी देते हैं कि कहना अगर तुम निपटा लो नहीं तुम्हारे भाई के या पिताजी को उठा ले जाएंगे या मार देंगे। कौन लोग हैं वो? श्रावण के हैं, दो भैयांगे मोहित प्रभात नाम उनका, मैं नहीं लोग हैं, और एक बाकर मुस्लिम है, और जो मोहित प्रभात हैं ये दोवे हैं, और उसमें एक मतलब चमारी है वो लक्ष्मी नाम है उसका, उसको मेरे घर पर भेजा था। बोल रही थी कि इनसे कह दो निपटा ले नहीं तुम्हारे भाई को मार देंगे। मेरी सिस्टर से बोला था, वो लक्ष्मी को कह दो उनसे या हमसे बात करने लगे तो हम कहना केस करवा देंगे। आज कप्तान साहब से मिलने आई हैं, कप्तान साहब से मिली, क्या आश्वासन दिया आप? उन्होंने यही कहा है आप निपटाना नहीं, हम आपको मतलब करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे।